Reaction TV. Assalamualaikum bhai, main Shahabuddin Beg, मैं जो चाचा के नाम से फेमस हूँ, बहुत दिन हो गया था वीडियो बना के, तो आज मुझे मौका मिला तो मैं सोचा कि चलो वीडियो एक हमारे हीरा गोल्ड वाले जितने हमारे मेंबर हैं, हमारी फैमिली है जो आपा ने नाम रखा हमारा शेख आलम आपा, उस फैमिली से कुछ बातें कर लूँ, कुछ बताऊँ और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला से दुआ करें उसे कामयाबी मिले आपा को। तो मेरा कहना ये था भाई, आज सबकी नज़रें इंशाल्लाह दिल्ली के कोर्ट से हैं, 6 तारीख का टाइम मिला है, कहते हैं कि कोई कहता 6 तारीख इंशाल्लाह 6 तारीख हो, और दूसरी बात उसमें कामयाबी मिले आपा को, सभी लोग दुआ करिए, इतने दिन लोगों ने सब्र किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब्र जो है ज़रूर रंग लाएगा, कुछ लोगों की नमाजें, कुछ लोगों की दुआ, कुछ लोग परेशान हैं जो है बहुत तस्बीहां पढ़ते होंगे कि अल्लाह ताला आपा को बाहर निकाल दे, तो सबकी दुआ इंशाल्लाह काम करेगी, और करीब पहुंच चुके हैं हम लोग, हम जितने करीब हो रहे हैं उतने ही ये लोग बेचैन हो रहे हैं, अब आप लोग समझे होंगे बेचैन कौन हो रहा है, तो बेचैन हमारे MIM वाले उरेशी भाई, हमारे जलील भाई, और हमारे शैतान शहबाज खान बड़े भागे थे भाई कि हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाके कुछ करेंगे, कर लिया भाई, वहाँ से भी निकल लिए, ये क्यों नहीं समझते हैं लोग, इनको किस कौन बुजुर्ग ने कौन बड़े लोगों ने इनको गुट्टी पिलाया है, गलत गुट्टी पिला दिया, गुट्टी समझते हो ना, बचपन में जो बच्चा पैदा होता है तो शहद चखाया जाता है, इनको शहद नहीं चखाया गया, इनके सालों बोलते ना खुजली का पत्ता लगा दिया गया जबान पे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहो, कुछ ना कुछ करते ही रहो, अच्छे आदमी को परेशान करो, अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं रहे, हाँ तुम लोग पैसा निकाल के दोगे, क्या निकाल के दिए तुम लोग, आज 2 साल होने जा रहा है, क्या निकाले तुम लोग, हाँ 2 महीने में निकाल दूंगा, 2 दिन में निकाल दूंगा, तू ही बोला था ना शहबाज, क्या निकाला तूने, हाँ कोर्ट और ये सब तेरे घर का मामला है क्या, हाँ मेन मकसद MIM का यानी कि उरेशी का मेन मकसद, इनकी जितनी पार्टी के लोग हैं जो भी हैं हैदराबाद में, इनकी जो बड़ी टीम, वो ये चाह रही है नोरा शेख की जो जगहें हैं, जो उनके फ्लॉटे हैं, जो उनकी खरीदी हुई ज़मीनें हैं, इनको सस्ते में ले ले और नोरा शेख को ख़त्म कर दे, नोरा शेख आलिमा को ख़त्म कर दे, सब अपने हफ्ते में ले लें, ये बहुत से लोग के साथ ऐसा किया गया है, बहुत से टाइम बोल चुका हूँ मैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया गया है, लेकिन ये चीज़ इन्होंने जो हाथ डाला ये खुद ही उलझ गए। मैं उरेशी भाई से पूछना चाहता हूँ, 2012-2010 में तुमने किया था, रिजल्ट क्या निकला, क्लीन सीट उनको मिलकर बाहर निकले हो, कौन सी ऐसी जेल में तुमने नहीं पहुंचाया उनको, सब जगह गए थे वो, लेकिन क्या हुआ रिजल्ट, उनको क्लीन सीट मिली, हाँ 100 करोड़ का तुम्हारे ऊपर आ गया तुमने क्लेम, 100 करोड़ या 1 करोड़ जो भी है मेरे समझ में कुछ फर्क है, लेकिन जो भी समझे होंगे लोग समझ गए होंगे वो तुम पे क्या केस चल रहा है, हाँ अब तुम परेशान हो, अरे भाई हिंदुस्तान है ये, इस हिंदुस्तान में सबको हक है जीने का, ये हिंदुस्तान है, ये हमारा खून बहा है हमारे बाप दादा खानदान का, तब इस पे हम रह रहे हैं, है ना, जबरदस्ती की कोई भी बातें तुम उठा रहे हो, हाँ सूती कंपनी है वो, दिल पे हाथ रख के बोलो यार, सर पे टोपी पहने रहते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो सब लोग, यार बताओ मुझे सूती भैंस का है वो, सूती भैंस तो तुमने रखा है, वो क्यों नहीं बंद करते आप भाई, हाँ मैं सबको पूछ रहा हूँ यार, ये क्या कहूँ तुम्हें, अल्लाह ही जाने, एक औरत के साथ तुम लोग ने खेल खेला, एक औरत को अंदर कर दिया आप लोग ने, उसका कसूर यही था कि सब गरीबों के साथ तो मतलब रोजी बांट रही थी, अल्लाह ताला ने एक जरिया उसको बनाया था, उसको उठा के तुम लोग ने अंदर कर दिया, हाँ वो आज भी वही कह रही है कि मैं निकलूंगी तो बाहर पैसा दूंगी,
और तुम्हारा सही बात, तुम्हारे मैं अकबर उरेशी या उरेशी शायर जलील जो भी है, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपा अंदर रहने के बावजूद तो ये कह रहे हैं कि मैं बाहर निकल के पैसा दूंगी, कह रही है ना, ये तो नहीं कह रही कि मेरे पास पैसा नहीं है। पॉलिटिक्स मेरे पीछे, आपा ने एक वीडियो बनाई थी उसने ये कहा है कि पॉलिटिक्स पीछे मेरे ऊपर चल रही है, ये पॉलिटिक्स कौन है, पॉलिटिक्स आप हो, एम आई एम है, क्या चाहते हैं आप लोग, अरे 2 लाख मतलब समझते हो, 1 लाख 90 लाख 90 हज़ार कुछ लोग हैं, 2 लाख आदमी है, 2 लाख के पीछे 80 मतलब 25 लाख आदमी है, वो सब मजबूर हैं। अब सामना जब आ रहा है, केस सॉल्व होते जा रहा है, तो तुमने वापस भेज दिया दिल्ली उसको, तो बोलने जाएंगे तो बुरा लगता है आप लोग को कि भाई ऐसा क्यों बोलते हैं वीडियो में ऑडियो में, गलतियां तुम खुद कर रहे हो ना भाई, तुम चाहते तो सलाह कर सकते थे, बैठा के बात कर सकते थे, तुमने अंदर क्यों करवाया उसको ये बताइए ना। हाँ, और बोलते हम एमआईएम के नहीं है, सही बात बोलता, मैं एमआईएम से ताल्लुका ही नहीं रखता, उसका पहला वीडियो उठा के देखे, और जिसकी ऑफिस है वो ऑफिस के अंदर ये जो बैठ के बात कर रहा था वो ऑफिस में पीछे एमआईएम की फोटो लगी थी, मतलब उरेशी भाई की फोटो पीछे लगी थी, ये बात मानते हो ना आप लोग, देखो वीडियो उठा के, और बोलता मैं नहीं हूँ, सभा बैठ के जलील बोल दिया, उसको खुद को नहीं मालूम कि कितने का फ्रॉड है कितने का क्या है, जैसे आपने कहा वैसा बोल दिया हो आप खुद, भाई कल आए थे भग के चले गए, एक औरत है ऐसी है वैसी बोली, नहीं भाई आप लोग जबरदस्ती भाई है, मुसलमान हो तो पूरी तरह से हो जाओ या तुम मत बोला करो। अभी एक नई खबर, आपके छोटे भाई ने बोला था तो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे क्या है, किसको बताना चाह रहे भाई हम लोग, आप लोग किसको बताना चाह रहे, आप लोग लड़ लो, मुसलमान को मत छेड़ो भाई, समझ गए, आज जो बैठे हैं जो भी पुलिस उठाए हुए हैं वो क्या खाली मुसलमान हैं, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब समझते हो, भारत, भारत का मतलब हिंदुस्तान, भारत का मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें सभी हैं, उसमें हिंदू हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, सरदार है, सिख है, ईसाई है, पूरा ए टू जेड पूरा हिंदुस्तान है वो जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो लड़ रहा है, उनमें सोने पे सुहागा तुम आग लगा रहे हो, मतलब जली हुई चीज़ पे तुम कठोर डाल रहे हो, वो देखो वो हारा हुआ बंदा भाई कल्ला से हार चुका है 2000 वोट से, वो शख्स उठ के बोलता है कि 15 करोड़ हम लोग हैं, कौन है भाई 15 करोड़, अरे गरीब लोग जीने दो भाई, मुसलमानों को मत उठाया करो ये सब बातें, ऐसी छेल अंदर ही अंदर रहते हो उसके बाद ले लेते हो, आज कितनी मुसीबत में सब, वो हिंदू रहें दो, मुस्लिम रहें दो, सिख रहें दो, दलित रहें दो, सब मुसलमान है ना भाई, सब परेशान है, उसमें सोने सुहागा तुम्हारा ये बंदा, वो भी हार चुका है भाई, कल्ला से चले गए, मुमरा से उड़ गए, फिर भी यार रस्सी जल गई, बल नहीं गया तुम लोग का यार, क्या चाहते हो आप लोग कि हिंदू मुसलमान झगड़ा कर लें आपस में, अरे हमारे भाई हैं वो लोग, हम उनके घर जाते हैं भाई, वो हमारे घर आते हैं, हमको मत फोड़ो, आप मत बोला ही मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, इस पे नहीं पसंद है भाई, एक को तो उठा के तुम लोग अंदर कर दिया है जो मुसलमान घर की रोटी चल रही थी, अब ये लड़ा के मरवा रहे यार, भूखे मर रहे हैं हम लोग, भूखे मर रहे हैं, उसके अलावा तुम ये करना चाह रहे हो, क्या मकसद चाहते हैं आप लोग यार, ये गलत है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, मैं अपने सारे मुसलमान भाई, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक पहला देखा जाए तो हम एक हिंदुस्तान के रहने वाले, ये पांचों उंगली बंद होती ना तो एक मुट्ठी बनती है, वो है हिंदुस्तान, समझिए मेरे भाई, इसको तोड़ने की, इसको खोलने की जरूरत मत करो भाई, हार गए हो ना घर में बैठे रहने का, अब इंतजार करने का कब मैं खड़ूंगा कब जीतूंगा बोल के, वो दिन आएगा भी नहीं, मुश्किल लग रहा तुम लोग का, समझिए भाई, वैसे भाई समझाओ ये सबको, हाँ और खामोश बैठ गए सुन के तुम इसकी बयान, हाँ कितने बवाले उड़ गए हैं, क्या चाह रही है ये भाई भाई लड़े, हाँ सबका खून बहा भाई, ये हिंदुस्तान भरने के लिए, आजाद होने के लिए सबने खून बहा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने लड़ा है, आप मत समझाओ कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, नहीं 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 आपकी कोई जरूरत नहीं है भाई, समझे ना, जो वापस लो पीछे चलो, और ज्यादा लड़ने का शौक है तो अकेले लड़ लो, किसी के साथ भिड़ने की जरूरत ही नहीं भाई, ठीक है, हमें अभी अपने हीरा गोल्ड के जितने हैं अपने चाहने वाले हैं, कुछ ज्यादा ही मैंने बोल दिया, समझिए तो मैं ये कहना चाह रहा था, अब यार दिखेगी रे
हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे जितने हीरा गुर के चाहने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बहुत जल्द आप बाहर होंगी, और हमारी नाजिमा मेरी बेटी बहन की इसकी भतीजी है, उन्होंने भी अभी बुलाया, तुम लोग ने देख लिया होगा, और मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ उसके लिए। वो गई थी बहुत अच्छे से बैठ चुकी, बैठ के बात की है, और डोरा शेख आपा ने वापस वही चीज़ दोहराया है कि मैं जितना मेरे मेंबर तड़प रहे उतना ही मैं तड़प रही हूँ। मतलब जिस दिन मैं बाहर निकलूँगी इंशाल्लाह मैं मीटिंग करूँगी, सबको बुलाऊँगी, और जिन जिन का पैसा जैसे मैं दे रही थी वैसे ही मैं चालू करूँगी इंशाल्लाह, सबका पैसा मिलेगा। तो आप लोग सब इंशाल्लाह दुआ करिए, दुआ करिए, और जल्द से जल्द फैसला हो जाए। नमाज़ें पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, और ये ऐसे जो हैं जो बोलने वाले जैसे ये बक दिया 15 करोड़ हैं, ये है वो सब, ये सब की बातों में मत आइए, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। ये हार गया है ना तो परेशान होकर बताए कि कुछ मेरे साथ आ जाए, इसके साथ कोई मुसलमान नहीं रहेगा, मैं इसको मैं कंडम करता हूँ, ये बेकार आदमी लोग हैं, समझे ना। MIM माने एकदम बेकार, मैं नहीं मानता ऐसे मुसलमान को जो किसी के साथ ये बात करे। अरे हम सब एक हैं, बोलो ना भाई, हम सब एक हैं, तो उनको भी खुशी होगी भाई, वो सब एक है बोल के। हम 15 लाख है, 15 लाख नहीं है भाई, तू ही अकेला है, या लड़ ले, मेरा तो यही मकसद है भाई। तो मैं यही चाहना चाहता कि भाई मेरे जितने हैं हीरा गोल्ड के लोग हैं, जैसे नजीर नाजिमा मिल के आइए, और उन्होंने सब रास्ता बताया, तो आपने वीडियो देख लिया होगा, और मैं भी बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया, मेरा नाम मैं आगे लिया हूँ नहीं लिया हूँ तो उनको बता दे रहा हूँ, शहाबुद्दीन चाचा मिला ही नाम है। और आप लोग सब सुकून से रहिए, आप लोग वीडियो बनाइए, वो वीडियो बनाइए जिसको सभी को अच्छा लगे, सभी लोग अच्छा समझे, जो हमारे जो हैं जो कहीं नहीं खो गए हैं, जो परेशान हो गए, उनके दिल में सुकून भी मिले। इतने दिन सब्र किए हैं, और महीना 15 दिन की बात है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरी सुनेंगे, समझ गए भाई। तो कुछ ऐसे कुछ बातें ना हो, सबके दिल में जो भी इत्तेफाकियाँ हैं वो भी दिल से हट जाए, हम सब भाई हैं, हमने सब मिलके इस चीज़ को आंदोलन को उठाया था लोरा शेख आपा की कंपनी बारे में और लोरा शेख के बारे में। तो मेरे भाई बस मैं यही चाहता हूँ हम सब एक हों, समझ गए ना, एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है भाई, और सब पांच अगर साथ में इकट्ठा हो तो कोई नहीं तोड़ सकता, इतना हो तो कोई नहीं तोड़ सकता, हमारे में इतना बनाइए भाई, समझे ना। इतने दिन से हम साथ चले थे, आज अब ये चीज़ को मैं नहीं मानता कि दोनों घर से हो या कुछ हो, माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ बोल रहा हूँ तुम लोग को। तो आप लोग सब खुशहाल रहो, आपके घर में खुशियाँ रहें, और बहुत जल्द इंशाल्लाह दुआ करिए आपा को बाहर आने की, ठीक है भाई। और कुछ कुछ बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।